हे हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, एक्वारीना गप्पी और बेट्टा के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शोम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 4 महीने या 5 महीने में मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया। सो ये वीडियो है 1K सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो। इसमें मैं कोई ब्रीडिंग टिप्स नहीं दूंगा, ब्रीडिंग के बारे में कुछ नहीं दिखाऊंगा, सेल के लिए भी कुछ नहीं बोलूंगा। ये सिर्फ 1K का सेलिब्रेशन है और मेरा जो जर्नी है, जो मैंने झेला है इस फिश फार्मिंग के लाइन में, वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। सो वीडियो ज़रूर देखना। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो लोग वेस्ट बंगाल के अंदर ये हॉबी से कनेक्टेड है, मतलब बेट्टा या गप्पी हॉबी से कनेक्टेड है, सो उन लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, वो होगा वीडियो के एकदम लास्ट में। सो लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। ये वीडियो बहुत लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जो लोग इससे कोई मतलब नहीं रखता, मतलब क्या मेरा एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग वीडियो देख के कुछ सीखना चाहते हैं। मैंने कैसे कैसे सीखा, मैंने कैसे क्या किया, ये रिलेटेड ये वीडियो है। सो मैं आशा करूँगा कि हर वीडियो के तरह इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर प्यार दोगे। और हाँ, पहले ही बोल दो, ये वीडियो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ मैंने बताया है। सो आप वीडियो ज़रूर देख लो। सो गाइज, इस वीडियो का पहले टॉपिक के बारे में मैं बात कर लूँ। पहला टॉपिक ये है, जो जो नया टीनेजर लोग या स्टूडेंट लोग मेरे से मतलब कनेक्ट करते हैं, मेरे से बात करते हैं, जो लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं फार्मिंग, सो उनके लिए एक ही एडवाइस है, एक ही। वो क्या है कि पेशेंस रखो भाई, अपने में पेशेंस रखो। ऐसा नहीं होगा कभी कि तुम आज ही गप्पी उठा के लेके जाओगे, वो कल बच्चा देगा, वो परसों रेडी हो जाएगा और तुम उसके अगले दिन बेच दोगे, ऐसा तो नहीं है। कोई भी बिज़नेस में आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है, आप पेशेंस नहीं रख सकते हो, सो आपके लिए बिज़नेस नहीं है। आपके लिए बिज़नेस तो क्या कुछ भी नहीं है, कोई भी फील्ड में जाओ। अगर तुम जॉब भी करने जाओगे तो एक दिन में ही तुम्हें 50,000 सैलरी नहीं मिलेगा। जिसका 50,000 सैलरी है, उसके पीछे का एक्सपीरियंस 25 साल का है। सो वेट करना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ना इतना सारा गप्पी रेडी होगा, इतना सारा क्वालिटी का गप्पी रेडी होगा। जैसा कि मैं फार्मिंग स्टार्ट किया था मेरा जॉब छोड़ के, मैं भी एक जॉब करता था जहाँ पर मैं लोगों को सर बोलता था, सर लोग भी मुझे सर बोलते थे। लेकिन ये सर जो वर्ड है, ये वर्ड के बारे में तुम्हें पता है इस सर का मीनिंग क्या है? सर का मीनिंग है SIR, सर का मीनिंग है स्लेव आई रिमेन। मतलब क्या हुआ, स्लेव का मतलब क्या है, स्लेव मतलब क्या है बोलो भाई, मैं ही बता देता हूँ। स्लेव आई रिमेन, इसको बांग्ला में अगर बोलेंगे स्लेव आई रिमेन, तो इसका एर बांग्लार माने हबे जे आमी अपनार कृतदासे परिणत होलम। सो अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसका हिंदी में मतलब होगा मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ, मतलब चरणों में आपके दास जैसा ही सेवा करूँगा, किसी को अगर सर बोलते हो तो। सो सर बोलना, वाइट कलर जब, ये सब भूल जाओ भाई। ये सबसे आपका सिर्फ डेली नेसेसिटी कम्प्लीट हो सकता है, आपका हर एक ड्रीम कंप्लीट नहीं हो सकता है। हर एक ड्रीम अगर कंप्लीट करना है तो कोई ना कोई बिजनेस के साथ कनेक्ट करो। ऐसा ही नहीं है कि तुम्हें गप्पी फार्मिंग करना है, फिशेस का बिजनेस करना है, इतना सारा बिजनेस का ऑप्शन है। लोग स्क्रैप बेच के आज अमीर हो जा रहे। सो मेरा बोलने का बात यही है कि भाई, जो मेरा नया भाई लोग जो आ रहे हैं मार्केट में, अभी तुम्हारा ही टाइम है, तुम लोगों को ही मतलब देश को आगे बढ़ाना है। तो जॉब के बारे में सोचना भूल जाओ, और जिसका मतलब सपना ही जॉब है तो जॉब के लिए वैसे ही मेहनत करो, ठीक है। और जो लोग मेहनत के लिए नहीं, सिर्फ नाम कमाने के लिए जॉब में जाना चाहते हो, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, बाप माँ का पैसा ज़्यादा वेस्ट मत करो, इससे ज़्यादा पैसा लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। सो गाइज, अभी मैं ये फार्मिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें मेरा कैसे स्टार्टिंग हुआ, कैसे मैं क्या क्या करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मैं वो बोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा है तो भाई वीडियो छोड़ दो,
यहीं पे। और अगर तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर ये वीडियो देखो, क्योंकि मैं इस वीडियो में ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ, मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूँ ताकि आपको हेल्प हो। मतलब अगर आप मेरे से पैसा लगा के गप्पी ले रहे हो कुछ काम के लिए, कोई हॉबी के लिए ले रहा है वो अलग है। अगर जिसके दिमाग में है कि मैं भैया से गप्पी उठा के बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उन लोगों के लिए है ये वीडियो। सो गाइस, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि मैं ये फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले जॉब करता था। बहुत सारे रेपुटेड कंपनी में मैंने जॉब किया है पैन इंडिया लेवल का। जैसा कि बहुत सारे लोग वीवो का फ़ोन यूज़ करते होंगे, ओप्पो का फ़ोन यूज़ करते होंगे, मैंने ओप्पो में भी काम किया है, मैंने वीवो में भी काम किया है। ब्लू स्टार कंपनी का नाम सभी ने सुना होगा, मैंने उसमें भी काम किया है। तो मेरा जॉब एक्सपीरियंस बहुत है। लेकिन जॉब में ना वो मेंटल मतलब जो पीस चाहिए होता है, मतलब एक बंदे को क्या चाहिए होता है, रात को उसको चैन की नींद आए और दो टाइम का उसका खाना उसके पेट में हो और उसका फैमिली अच्छे से खाए, यही तो चाहिए। बस इतना मिलते ही लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये करने में, लेकिन सिर्फ ये दो वक्त का खाना जुगाड़ करने में, ये प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए जो हैरासमेंट मैंने फेस किया है वो आप समझ भी नहीं सकते हो। मतलब ये बोल के एक्सप्रेस करना भी नहीं पॉसिबल नहीं है। एक दिन का अगर टारगेट नहीं होता है तो जॉब तो मैं करता हूँ ना, सो वो लोग गाली देते देते मेरे माँ बहन तक पहुँच जाते। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको पता है, वो लोग एग्री करेंगे। जो लोग नहीं करते हैं उनको नहीं पता होगा कि क्या होता है प्राइवेट फार्म वालों के साथ। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। फ्रस्ट्रेटेड होते होते एक दिन ऑफिस में बात हो रहा था कि मतलब मेरा ही एक कलीग था, वो बात कर रहा था, उसके पास बहुत सारा एग्जॉटिक बर्ड है, वो बर्ड का ब्रीडिंग करता है, वो मतलब महीने में दो तीन बार बर्ड बेच के उसका एक्स्ट्रा 5-6 हज़ार इनकम हो जाता है। तो मैं उसका बात सुन रहा था और साइड में बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं भी तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ, बर्ड का ब्रीडिंग कर सकता हूँ या फिर कुछ भी कर सकता हूँ, साइड में कुछ तो कर सकता हूँ मैं, मेरे में भी तो कोई कमी नहीं है उसमें। उसके पास जो है दो हाथ है, दो पैर है, दिमाग है, मेरे में भी है। मैंने ये सोच के फिर क्या हुआ, मतलब बात पूरा घूम गया, फिश के ऊपर आ गया, क्योंकि मेरा फिश का हॉबी था। मैं तो बचपन से एक्वेरियम में फिशेस पाल रहा हूँ। सो फिशेस पालते पालते वो बंदा बोल रहा है तो मैं तो फिशेस का भी ब्रीडिंग किया हूँ, मैंने तो गोल्ड फिश का भी ब्रीडिंग किया है। तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, अरे साला मैं तो 18-19 साल से ये फिशेस का मतलब हॉबी है मेरा, मैं फिशेस पाल रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे पास एक सिंगल मॉली भी ब्रीड नहीं हुआ और इसने एक गमले में मतलब गोल्ड फिश ब्रीड कर लिया। सो तब से मैंने रिसर्च करना चालू किया। मैं अब भी मेरे को डेट याद है, मतलब ये 2021 का जून का महीना होगा, जून के महीने से मैंने रिसर्च स्टार्ट किया कि कैसे कैसे गप्पी का या फिर कोई भी मछली का ब्रीडिंग होता है, उसका बिजनेस होता है कैसे कैसे। मैं ये सारे के साथ कनेक्ट हुआ, सबके साथ बात किया। सब लोग ना पहले सोचते थे कि मैं टाइम पासर हूँ, मतलब आऊँगा पूछूँगा थोड़ा बहुत मछली लूँगा और बाद में छोड़ दूँगा, फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि मैं एक जॉब भी करता हूँ। मैंने सबको बोला था भैया कि मैं अगर इसमें सक्सेसफुल हुआ तो मैं जॉब से हट जाऊँगा। मैंने वही किया। मैं जब इस लाइन में मुझे थोड़ा भी सक्सेस दिखा तब मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। लेकिन भाई ये जॉब से रिज़ाइन करने के बाद ना सबसे डेंजरस पार्ट मैंने देखा है अपने लाइफ का, सबसे मतलब क्या बोलूँ, सबसे स्ट्रगलिंग पार्ट मैंने देखा है उस टाइम में। मतलब जब मेरे पास एक स्टेबल जॉब था तब मेरे पास बहुत कुछ था, अच्छे दोस्त थे, और तुम समझ रहे होंगे जो होता है, मतलब एक स्टेबल जॉब वाला बंदे के पास क्या क्या होता है, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, महंगा फ़ोन, सब होता है। लेकिन जिस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि अगर खुद का कुछ करूँगा तो मेरे को दो साल तो मिनिमम लगेंगे, तब जब मैंने मतलब रेजिग्नेशन दिया था, मैं वो भाई वो पार्ट मैं मेरा लाइफ का बोलते हुए मेरे आँख में आंसू आ रहा है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, इमोशन ना फूट के बाहर आ रहे हैं। लेकिन और किसी से हेल्प नहीं मिला, मुझे मेरे भगवान से हेल्प मिला है, और मेरे भगवान को मैं इस वीडियो के आखिर में ज़रूर दिखाऊंगा आपको।
भगवान हर एक जगह नहीं हो सकते, लेकिन माँ बाप के रूप में ना सबके पास भगवान है। मेरे पापा ने मेरा इतना हेल्प किया है कि मैं बोल के नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं जब जॉब करता था तो थोड़ा बहुत तो मैं पैसा घर में देता था, उस पर कुछ चलो कुछ तो डिपेंडेंट था। जब मैंने जॉब छोड़ दिया तो वो एकदम ज़ीरो हो गया ना। अब मैं फिर से घर में बैठ के पापा का अनाज तोड़ने वाला में से हो गया। सो मतलब जो वेल्थ बोलते हैं ना, मतलब बांग्ला में बोलते हैं बापेर होटल भूसा ज़्यादा खाए, और हिंदी में बोलते क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको नहीं पता, लेकिन मैं हो गया था पूरा बेकार हो गया था। एक भी पैसे का इनकम नहीं था, खर्चा था बहुत खर्चा था, लेकिन मेरे पापा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरे को बोला कि चल मेरे साथ होलसेल फिश मार्केट में काम करने चल, वहाँ पे हफ्ते में तेरे को 1,000 रुपये मिलेगा। हफ्ते में 1,000 रुपये मतलब मंथ में 4,000 रुपये। एक बंदा जो 20,000 रुपये का जॉब करता था तो वो 4,000 रुपये में आ गया, समझ सकते हो डाउनग्रेड। घर में जो मिनिमम 5-6,000 देता था तो घर में एक भी पैसा नहीं दे रहा था। मेरा ना खुद से मतलब दिल से आंसू आता था जब मैं देखता था मेरा मतलब मेरे डैड को। वो सुबह 4 बजे जाते थे और शाम को 4 बजे आते थे, मतलब 12 घंटे का ड्यूटी करके आते थे। जिसका एक बेटा है 25 साल का वर्किंग, वो उन बंदे को मतलब 12 घंटा काम करना पड़ रहा है। मुझे देख के भी खराब लगता था, लेकिन मैंने हाल नहीं छोड़ा, मैंने लड़ना नहीं छोड़ा। मैं वो जो 1,000 रुपये मिलता था ना, उसमें से 2 टाइप का 3 टाइप का ऐसा करके 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 कर, हफ्ता हफ्ता करके पहले 1-2 साल मैंने फिशेस को कलेक्ट किया, पालना सीखा, उनसे ब्रीडिंग करना सीखा, उनसे नया बैच तैयार किया। ये करके इतना मेहनत करके आज यहाँ पे पहुँचा हूँ कि आज मैंने इंडिया के हर एक कोने में मैंने फिश डिलीवर किया है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, ये चारों तरफ मैंने डिलीवर किया है। ये पॉसिबल नहीं होता अगर मेरा भगवान, मेरा पापा मेरे साथ नहीं होते। सो उनको मैं थैंक्स नहीं बोलूँगा कभी, उनका अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूँगा। तो गाइज मैं पहले रो लूँ फिर बाद में बाकी का। गाइज इस वीडियो में मैं थोड़ा पर्सनल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, सो मेरे को माफ़ कर देना। लेकिन जो जो नया बंदा लोग सोच रहे हैं कि मैं 5-10,000 रुपये लगाऊंगा, फार्मिंग स्टार्ट करूंगा, देखो भाई स्टार्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि आज के डेट में 10,000 रुपये खर्चा करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। कुछ कुछ लोग छोड़ दो, या 10% लोग छोड़ दो, 90% लोग आजकल एक बिजनेस के लिए 10,000 रुपये बहुत ही छोटा समझते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो स्टार्ट, लेकिन स्टार्टिंग के बाद क्या करना है, आप कैसे करोगे, ये तो सोचना होगा। स्ट्रगल के बारे में पहले सोचना होगा। आप पहले ये सोचो कि आपने जो पैसा लगाया पूरा लॉस गया, उसके ऊपर उसके बाद क्या करोगे। क्योंकि मैंने जब मेरा पहला फार्मिंग स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्ट ही किया था गोल्ड फिश से, क्योंकि हर एक बंदा जो इस हॉबी में जुड़ा हुआ है वो नहीं बोल सकता कि मेरे को गोल्ड फिश पसंद नहीं है। सबका पहला फेवरेट फिश होता है जो ये हॉबी में आता है, सबका पहला फेवरेट फिश होता है गोल्ड फिश। आप मेरे साथ अग्री करते हो या नहीं मेरे को ज़रूर बताना। गप्पीज भी लोग का फेवरेट होता है, लेकिन पहला फेवरेट, आप अगर कभी फिश खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहला नज़र आपको एक्वेरियम के शॉप में उसी एक्वेरियम पर पड़ता है जिसमें गोल्ड फिश होता है। सो मैंने भी सोचा था कि गोल्ड फिश करूँगा, क्योंकि मेरा तब जॉब था, मैं महीने में अच्छा खासा इनकम कर लेता था। तो मैंने सोचा कि चलो गोल्ड फिश ही ब्रीड करते हैं। सो मैंने 30,000 रुपये का गोल्ड फिश उठाया, 30,000 रुपये का गोल्ड फिश उठाया, उसके पीछे और मान लो मेरा 5-6,000 रुपये खर्चा हुआ। सो 35-40 ही पकड़ लेते हैं, ये 40,000 रुपये 2 महीने में पूरा डूब गया। अब क्या करोगे, तुम अगर मेरी जगह होते, तुम्हारा 40,000 2 महीने में पूरा डूब जाता तो तुम क्या करते। मैं नहीं जानता किसके पास कितना बैकअप है, 40,000 किसके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि मैंने वो 40,000 मेरे इनकम से मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ था, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था क्या करेगा भाई, ये थोड़ा सा
रंगीन मछली बेच के ये लोग कितना लोग खरीदेंगे। तो मैंने एक आंसर दिया था, भाई 140 करोड़ का देश है, इसमें से अगर 10% लोगों को भी इस फिश का हॉबी है तो भी हो गया ना 14 करोड़। 14 करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट मेरे भाई। 14 करोड़ कस्टमर, मान लो 14 करोड़ कस्टमर से तुम 1 करोड़ कस्टमर तक भी पहुंच पाए, 1 करोड़ कस्टमर को तुम गप्पी देना बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ कस्टमर को अगर 1 रुपये करके, सबसे छोटा 1 रुपये करके दोगे तो भी तो 1 करोड़ आ गया 1 करोड़ कस्टमर को सर्व करने के बाद। लेकिन ऐसा थिंकिंग रखना पड़ता है, थिंकिंग रखोगे और हो जाएगा ऐसा नहीं है भाई, थिंकिंग रखना पड़ता है और काम करना पड़ता है, मतलब करते रहना पड़ता है, रिजल्ट बाद में मिलेगा। जैसा कि मैं 2021 से इसके इस फार्मिंग के पीछे मैं मेरा माथा दे रहा हूँ, मतलब मेरा माथा, मेरा समय, मेरा दिन का ज़्यादातर समय, मैं गेमिंग बहुत बहुत फेवरेट था मेरा, मैं पबजी में बहुत मतलब एवरेज था प्लेयर था, लेकिन मेरे पास रॉयल पास था, मेरा एक अच्छा टीम था, क्लैन था, मैं सब कुछ छोड़ के ये फार्मिंग में आ चुका हूँ। अभी मेरा पूरा फोकस इस फार्मिंग पर है। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कभी गप्पीज़ का मार्केट ना रहे तो मैं दूसरा फिशेस भी कर सकता हूँ, क्योंकि गप्पी है ना, मतलब जैसा कि आपको पढ़ाई लिखाई सीखने से पहले सबसे पहले ABCD सीखना पड़ता है, सो फार्मिंग में मतलब फिश फार्मिंग में आपको सबसे पहले गप्पी और मॉली ब्रीडिंग सीखना पड़ता है, क्योंकि गप्पी और मॉली डायरेक्ट बच्चा देता है। सो आपको इसको पालना अगर आप सीख गए तो आपके लिए कोई सा भी फिश आप पाल सकते हो, ये मैं मानता हूँ। लोग बहुत दूसरा कुछ मानते होंगे, ये मैं मानता हूँ कि अगर आप गप्पी और मॉली ब्रीड करना सीख गए, आपको उसके ऊपर 6 साल 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप कोई सा भी फिश ब्रीड कर पाओगे, कोई सा भी फिश आप अपने घर पे ब्रीड करके सेल कर पाओगे। लेकिन सेल, अभी आते हैं सेल के ऊपर। सो भाई लोग, गप्पी ब्रीडिंग करने में कोई तो मतलब कोई स्पेस साइंस नहीं है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता इसमें। गप्पी ऑटो ब्रीडर होता है, उनको पेयर ले आके टैंक में रखो, वो लोग ऑटोमेटिक बच्चा देता है। अब सबको पता है, जो जो इस हॉबी से जुड़ा है सबको पता है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है। जैसा कि मेरे पास आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारा टैंक है, ठीक है, ये इतना सारा टैंक क्यों है? मैं तो चाहूँ तो सबको एक साथ रख सकता था, लेकिन मैं अलग अलग इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का भी ब्लड लाइन क्रॉस नहीं करूँगा। जो जिस ब्लड लाइन का है उसी ब्लड लाइन का आपको मिलेगा, उसका ब्रीडिंग से भी आपको उसी ब्लड लाइन का मिलेगा, इसीलिए इतना मेहनत करता हूँ। और जब सेल करने की बात आते हैं तो सेल गप्पीज या कोई सा भी फिश दो तरीके से सेल होता है, या तो रिटेल या तो होलसेल। रिटेल में 1 पीस से लेके 10 पीस तक होता है, ठीक है, लेकिन होलसेल में गप्पीज, जैसा कि मेरे पास एग्जॉटिक गप्पी है, ये तो मिनिमम 10 पेयर आपको लेना पड़ेगा, 10 पेयर में मतलब 20 पीस होता है, ये से होलसेल स्टार्ट होता है 10 पेयर से। लेकिन जो एकदम नॉर्मल वाला गप्पी है, जो 1 या 2 रुपये में हमारे यहाँ पे मिलता है, उसका होलसेल 100 पीस से स्टार्ट होता है। बेट्टास का होलसेल 50 पीस के ऊपर से स्टार्ट होता है, गोल्ड फिश का होलसेल 50 पीस के ऊपर से स्टार्ट होता है। सो हम क्या सेल कर रहे हो, होलसेल में या रिटेल में, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई ये एग्जॉटिक गप्पी अपने यहाँ पे ले जाके ऐसा दाम से रिटेल में नहीं बेच पा रहा है, सो उनके लिए एडवाइस है कि आप रिटेल में नहीं, आप होलसेल में करो। आप क्या करो कि प्रोडक्शन ज़्यादा करके करो, सिर्फ मेल बेचो, थोड़ा प्राइस कम कर दो। जैसा कि मैं मेल फीमेल एक साथ करके मान लो 250 में बेचता हूँ, आप सिर्फ मेल बेचो, मेल का प्राइस रखो, जैसा कि खूब बहुत रेयर अगर हो गया तो उस मेल का प्राइस रखो 50 रुपये करके, लेकिन 100 पीस से नीचे नहीं बेचना। कोई भी हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हावड़ा में बहुत सारा फार्म है जो एग्जॉटिक गप्पी होलसेल में बेचता है, लेकिन वो सिर्फ मेल बेचता है, फीमेल नहीं बेचता। फीमेल बेचता है कौन से गप्पी का, जो उसके पास 1.5-2 साल से ऊपर हो गया, उस गप्पी का वो फीमेल बेचेगा। लेकिन जो गप्पी नया आया है, मान लो जैसा कि मेरे पास ये आइवोरी नया आया है, मैं आइवोरी का मेल भी दे रहा हूँ, फीमेल भी दे रहा हूँ, दाम ले रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को भी दाम दे के खरीदना पड़ा था, इसलिए आपके पास से दाम ले रहा हूँ। लेकिन वो लोग के पास अगर, मतलब जिन फार्म का मैंने बात किया, उन लोग के पास अगर आइवोरी होता तो वो क्या करते, 150 रुपये में आपको आइवोरी दे देते, 150 रुपये में, लेकिन सिर्फ मेल देते, फीमेल नहीं देते।
आप चाहे तो यूट्यूब में सर्च कर लो, बहुत सारा हावड़ा का फार्म है जो एग्जॉटिक गप्पी 50 रुपये 20 रुपये से स्टार्ट करके 150 रुपये में दे देता है, लेकिन सिर्फ मेल देता है, और उसमें से भी आपको 50 पीस 25 पीस वो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 50 पीस मेल लोगे, मेल, तो क्या करोगे आप, उसका रीसेल ही करना पड़ेगा। लेकिन रीसेल में उतना फ़ायदा नहीं है जितना ब्रीडिंग करके नेक्स्ट बैच बेचने में फ़ायदा है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन भाई जब दो पैसा घर में आएगा ना, तब उस मेहनत का अहमियत पता चलेगा। सो भाइयों, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। सो वो अनाउंसमेंट क्या है, वेस्ट बंगाल के अंदर जो जो लोग गप्पी और बेट्टा हॉबी के साथ मतलब इन्वॉल्व्ड है, जो लोग बेट्टा या हॉबी पालते हो या ब्रीडिंग करते हो, उनके लिए एक बहुत बढ़िया चांस है। कोलकाता बेट्टा फेडरेशन, जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कोलकाता बेट्टा फेडरेशन की तरफ से पहली बार कंपटीशन में गप्पी का कंपटीशन भी होगा। सो जो जो लोग मेरा चैनल देखते हो, ठीक है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस कंपटीशन में ज़रूर भागने ला। मतलब एंट्री फ़ीस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 100 रुपीज़ करके एंट्री फ़ी है, और इस ऑफलाइन है, तो सिर्फ जो वेस्ट बंगाल के अंदर के लोग हैं वही इसमें एंट्री ले पाएंगे, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए अभी यहाँ पे आके फिशेस को क्वारंटाइन करना, उनका रहना, वो बहुत एक्सपेंस हो जाएगा। इसीलिए हम बाहर के लोगों से ज़्यादा मतलब इंसिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो जो लोग वेस्ट बंगाल के अंदर इस हॉबी से कनेक्टेड है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में हिस्सा लेना एक अलग एक्सपीरियंस होगा। आपको जीतना नहीं है भाई, मैं तो एक बार कंपटीशन में हिस्सा ले चुका हूँ, वर्ल्ड गप्पी कंपटीशन में मैंने प्राइज नहीं जीता, फिर भी मैंने हिस्सा लिया। क्यों? क्योंकि मुझे सीखना है। अगर मेरी तरह, जैसा कि मैं अभी 2-3 साल से कर रहा हूँ ये, आप देख पा रहे हो कितना अच्छा क्वालिटी हुआ होगा, मैं फिर भी बोलता हूँ कि मैं अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है भाई। जो तुम सीखोगे उसका कभी ना कभी तुम्हारे लाभ में ज़रूर आएगा, जो तुम सीख रहे हो अभी। सो जो जो भाई मेरा मेरे साथ मेरा YouTube देखता है, जो इस कंपटीशन में आना चाहता है, सो उस लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है मेरे से, या तो यहाँ पे जो नंबर दिया है उस नंबर पे जाके कांटेक्ट करो, अपना एंट्री करवाओ। और हाँ, 18 तारीख गलिफ स्ट्रीट में ज़रूर मिलेंगे, 18 तारीख गलिफ स्ट्रीट में ये ऑफलाइन कंपटीशन है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई व्यूअर्स प्राइज़ ले जाए। मतलब अगर मेरा कोई व्यूअर्स प्राइज़ लेता है, जो मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा व्यूअर्स है रेगुलर, वो अगर उस कंपटीशन में प्राइज़ लेता है, तो उसके लिए एक स्पेशल प्राइज़ मेरी तरफ से भी होगा। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एंट्री करना है, वहाँ पे आना है, वहाँ का एटमोसफियर देखना है, वहाँ पे मैं भी होऊंगा, वेस्ट बंगाल का और भी बहुत सारा यूट्यूबर होगा, मतलब जो आप पहले वीडियो में मैंने दिखाया था इम्पोर्टेड गप्पी जो ब्रिड करता है शुभदीप दा, वो होने वाले हैं यहाँ का मेन जज, मतलब गप्पी का मेन जज होने वाले हैं शुभदीप दा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का नंबर वन कोई अगर ब्रीडर हो वो शुभदीप चक्रवर्ती है, और उनका साथ लेके हम वेस्ट बंगाल के बंदों को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं। जैसा कि आज आप कोई सा भी गप्पी या कोई सा भी फिशेस ले लो, लोग मतलब आग बंद करके पैसा देते हैं अगर वो सुनते हैं कि ये थाईलैंड का ब्रीड है, ये इंडोनेशिया का ब्रीड है। लेकिन भाई हम इंडियंस ने क्या किया है, हम इंडियंस ने इस हॉबी में क्या किया है? आज थाईलैंड कहाँ है, और भी कुछ, और कोई सा भी मार्केट ले लो, थाईलैंड हमारे इर्द गिर्द भी घूमता है। हमारा इंडिया का इकोनॉमी क्या है और थाईलैंड का इकोनॉमी क्या है, कोई भी मामले में थाईलैंड से हमारा कंपटीशन मतलब इंडिया का कंपटीशन नहीं होता, लेकिन एक मामले में थाईलैंड हमें हमेशा बीट करता है, ये फिश बीट करने में। ऑर्नामेंटल फिशेस सबसे ज़्यादा अगर प्राइस होता है तो वो थाईलैंड का इंडोनेशिया का होता है, क्योंकि वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। वो लोग अपने वैट में मतलब जो इंडोनेशिया का लोग अगर इंडोनेशिया का पैसा में बेचेगा तो हमारे लिए इंडोनेशियन का ब्रीड बहुत सस्ते में आ जाएगा, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करता। वो लोग क्या करता है, वो लोग US डॉलर में बेचता है। ऐसा करने से
यूएस का डॉलर मजबूत होता है, हमारा पैसे का दाम गिरता है, लेकिन जो इंडोनेशिया वाला ब्रीडर है ना वो अपना मोटा पैसा इनकम करके निकल जाता है, लेकिन हम जो होते हैं, हम जो इंडियंस होते हैं, हमें डाउनफॉल ग्रेट करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। जो हमने हमारा पैसा देखे डॉलर खरीदा, हमने डॉलर का वैल्यू बढ़ाया मार्केट में, हमारा पैसे का वैल्यू कमाया मार्केट में, तो भाई सब चीज़ काउंट करना पड़ता है। हम अगर सही से हमारे अंदर एक कम्युनिटी बिल्ड कर ले तो हम ऐसा ऐसा फिश ब्रीड कर सकते हैं कि हम थाईलैंड और इंडोनेशिया को भी एक ना एक दिन ज़रूर पीछे छोड़ेंगे। एक दिन में नहीं होगा ये, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा अगर सब एक साथ मिलके करेंगे तो, एक ना एक दिन ज़रूर होगा। हेल्पिंग के लिए मैं हूँ, हमारे साथ हेल्पिंग के लिए शुभदीप दा हर वक्त है, जैसा कि उन्होंने मेरे को, मुझे वो बहुत हेल्प करते हैं, मतलब फिशेस के बारे में हो या फिशेस के खाने के बारे में हो। जैसा कि मेरा बहुत सारा लॉस हो रहा था, मैं जो गप्पीज भेज रहा था वो पैकेट के वजह से डैमेज हो जा रहा था, उन्होंने मेरे को पैकेट मंगा के दिया। हाँ, पैसा मैंने दिया, क्योंकि पैसा अगर वो देंगे तो मेरा इसमें क्या रह जाएगा, मतलब मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा, तो पैसा मैंने दिया। लेकिन हेल्प, जो हेल्प उन्होंने किया वो, मतलब अगर उनको मैं थैंक्स बोलूँगा तो उनको छोटा करना हो जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ और भी, मेरा जो वेस्ट बंगाल का भाई लोग है मेरे साथ आए और इस कंपटीशन को सक्सेसफुल लड़े। सिर्फ इस कंपटीशन को नहीं, हमारा जो मोटिव है, हम जो वेस्ट बंगाल को जिस जगह पे ले जाना चाहते हैं, हम, मैं, शुभदीप दा, सबका कोऑपरेशन मिलेगा, सब हम एक साथ काम करेंगे, क्वालिटी में काम करेंगे और वेस्ट बंगाल को नंबर वन पर ले जाएंगे। सो मेरे साथ मेहनत करने के लिए जो जो बंदा रेडी है वो मेरे साथ कांटेक्ट करें। हम लोग एक कम्युनिटी बना रहे हैं, उस कम्युनिटी में सब होगा, एक दूसरे को हेल्प किया जाएगा, एक दूसरे का अगर माल नहीं बिक रहा है तो उसमें भी हेल्प करेंगे अगर हो सके तो। सो जल्द से जल्द कनेक्ट करो। और हाँ, जो मैंने कंपटीशन के बारे में बोला है आप भूलना नहीं, मैं अपडेट देता रहूँगा और कैसे कैसे मैं कंपटीशन के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं भी अभी 100% तैयार नहीं हूँ, मैं कैसे तैयार हो रहा हूँ वो भी मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। सो ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो वीडियो लंबा हो रहा है, अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हो तो और भी थोड़ा देख लो, क्योंकि अभी सेलिब्रेशन बाकी है। सो अब मिलते हैं सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन के बाद वीडियो को अंत करेंगे। सो गाइज, ये 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने की खुशी में ये छोटा सा केक देखिए, ये मेरी दीदी ने बनाया है, एको एरिना गप्पियन बेटा। तो ये केक मैं जिन दोनों से कटवाने वाला हूँ, ये मेरी मम्मी डैडी। सो काटो केक। सो अभी घर में कोई नहीं है तो सिर्फ ताली मैं ही बजा देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। माके दो, माके दो। ठीक है जी। सो गाइस, वीडियो को यही एंड करते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।